सभी को जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सर कारगिल की भर्ती हम यूपी वाले देख सकते हैं या फिर हम बिहार से हैं हम देख सकते हैं या राजस्थान से हैं, क्या सर हम ये भर्ती देख सकते हैं। एकेडमी से हजारों बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, वो भी एकेडमी में जो एक्सरसाइज करवाई जाती है, जो जनरल पे एक्सरसाइजें लगी हुई है उन्हीं के बेस पे, क्योंकि ये एक्सरसाइज हजारों बच्चों ने की है और इंडियन आर्मी में अपने सपने को साकार किया है, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद जय भारत। और सीधी सी बात है कि लॉकडाउन की वजह से सभी जो युवा जो तैयारी करते हैं उनको लगता है कि अब जो है भर्तियां नहीं आने वाली है, ये जो दो चार भर्तियां आई है इनमें ही हम अपना कैसे जैसे जुगाड़ करके इनमें भर्ती हो जाएं। तो आपको बता दूं, आप निश्चिंत रहे, जो इंडियन आर्मी की भर्तियां हैं वो बिल्कुल लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होगा वैसे वैसे नई डेट रिलीज हो रही है, क्योंकि हमसे ज़्यादा इन लोगों को चिंता रहती है, क्योंकि पड़ोसी देश कभी ये नहीं देखेगा कि लॉकडाउन की वजह से अटैक करें कि नहीं करें, तो उस स्थिति में नए जवान कहाँ से आएंगे। तो भर्तियाँ जो है होना बहुत ज़रूरी है और भर्तियाँ हो रही है, जैसा कि आप मेन वेबसाइट पे देख सकते हो कि जो चरखी दादरी है वहां की भी भर्ती आई हुई है और जो कारगिल की जो हेलीपैड ग्राउंड पे होने वाली श्रीनगर में भर्ती है वो भी जो है 26 जून से 30 जून के बीच में हो रही है और उसके फॉर्म जो है 27 अप्रैल से 10 जून के बीच में ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें, भर्तियां जो है आने वाली है। और कुछ लोग जो है वो बोलते हैं आपको कि आधार कार्ड चेंज करवा लो, मूल निवास बनवा लो, आप वहां की भर्ती देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि कुछ लोग देखो यहाँ से वो लग गया ये लग गया, तो ये किस प्रकार आर्मी में भर्ती होते हैं, क्या इनको सच में एजेंट लगवा देते हैं या फिर इनका रीजन जो है कुछ और है, जो ये आधार कार्ड में करेक्शन करवा के या फिर आधार कार्ड चेंज करवा के उनका एड्रेस चेंज करवा के आर्मी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आसानी से भर देते हैं और इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हमें ज़रूरी जो तीन डॉक्यूमेंट है उनकी तो सख्त आवश्यकता रहती है जब हम फॉर्म भरते हैं। पहला होता है अपना आधार कार्ड, दूसरा जो है अपनी मार्कशीट और तीसरा जो है अपना रहता है मूल निवास यानी कि डोमेसियल सर्टिफिकेट। बात करते हैं आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड में कुछ लोग बोलते हैं हमने एड्रेस चेंज करवा के वो बंदा भर्ती हो गया है, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि वो व्यक्ति भर्ती हो सकता है जिसने अब तक इंडियन आर्मी का फॉर्म जो है अप्लाई नहीं किया है, उसने अपना आधार कार्ड जो है इंडियन आर्मी की वेबसाइट से लिंक नहीं किया है। वो अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन करवा के कहीं का भी जो है करेक्शन किसी भी प्रकार से करवा के वहाँ की भर्ती देख सकता है, लेकिन वो उसके बाद में दूसरे क्षेत्र की भर्ती नहीं देख सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन रहता है ये, यहाँ को आपको 14 डिजिट दिख रहे हैं, ये 14 जो नंबर दिए हुए हैं ये पर्सनल हमारी आईडी होती है जिसमें ये दिखाया हुआ आपको 0001112222, तो ये जो नंबर हैं ये हमारे फिक्स रहते हैं और इन्हीं नंबरों के आधार पर ये कहीं 12 कहीं 14 बढ़े हुए रहते हैं, तो ये नंबर जो है कभी चेंज नहीं होते हैं। चाहे आधार कार्ड में आप अपना नाम चेंज करवा लो, चाहे डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लो, चाहे आप अपना पूरा एड्रेस चेंज करवा लो, तो इस प्रकार वो बंदे भर्ती हो जाते हैं जिन्होंने अब तक भर्ती नहीं देखी है और फर्स्ट टाइम वो भर्ती देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। और बाकी आपने अगर एक बार भर्ती देख रखी है, दोबारा आप चेंज करवा के कहीं जा रहे हो तो आप 100% गारंटी से आप पकड़े जाओगे और फिर आपको जो है सज़ा भी हो सकती है। दूसरा बात करते हैं मार्कशीट का, तो मार्कशीट के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सर मैं रहता राजस्थान से हूँ लेकिन मेरी जो मार्कशीट है वो यूपी से है या पंजाब से है या हरियाणा से है, तो इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कहां से पढ़ाई कर रखी है। मेन जो चीज रहती है वो ये है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। आप वहां, जैसे मैं सीकर से हूं तो मैं सीकर से भर्ती देख सकता हूं चाहे मैंने पढ़ाई पूरे इंडिया में कहीं से भी की हो, क्योंकि ये मान्यता दी हुई है कि हिंदुस्तान में आप कहीं से भी पढ़े लिखे हों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो मेन एड्रेस है डिपेंड उस पर करता है कि आपका मेन एड्रेस कौन सा है। आप ओपन बोर्ड की जो मार्कशीटें रहती है उनसे भी जो है भारतीय सेना की जो भर्ती है वो आप निश्चिंत होकर देख सकते हैं। तो मार्कशीट के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, चाहे मार्कशीट कहीं की भी हो आप आसानी से भर्ती देख सकते हैं अपने क्षेत्र की। अब बात करते हैं मूल निवास की, तो मूल निवास आप आधार कार्ड चेंज करवाने के बाद में मूल निवास भी चेंज करवाते हैं, सारा करवाते हैं, तो मूल निवास में भी विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जो मेन चीज़ है वो है आपका आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड आपका इंडियन आर्मी की वेबसाइट से एक बार लिंक हो गया है तो उसके बाद में चाहे आप कुछ भी करवा लो, कैसे भी आप अड़ंगे लगा लो, आप जो है पकड़े ही जाओगे, चाहे कभी भी पकड़े जाओ। तो इसलिए हमेशा सावधान रहें और पूरी ईमानदारी से आप तैयारी रखें और जब भी इंडियन आर्मी की भर्ती हो तो ये सोच के तैयारी करें कि ये मेरी लास्ट भर्ती होगी। जय हिंद जय भारत।